समान नागरिक संहिता पर बीजेपी शासित राज्य तो एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी की मदद से चल रही नीतीश सरकार का स्टैंड कुछ अलग है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से चला बीजेपी का कॉमन सिविल कोड का रथ बिहार में हिचकोले खाता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी की मदद से सरकार चल रही जेडीयू का सुर अलग है। जेडीयू का कहना है कि चर्चा के बगैर समान नागरिक संहिता को थोपा ना जाए। हम नए विचारों के, नए सुधारों के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और ऐसा भी प्रतीत तो नहीं होना चाहिए कि जैसे थोपा जा रहा है। दरअसल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जेडीयू अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। नीतीश कुमार ने जनवरी 2017 में विधि आयोग को भेजे जवाब में कहा था, समान नागरिक संहिता पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करे, अगर समान नागरिक संहिता लागू करनी है तो इस पर व्यापक बहस की जरूरत है, इस पर पहले संसद और विधानसभा में बहस की जरूरत है। इस मुद्दे पर बिहार में आरजेडी के तेवर भी तीखे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध किया जाएगा। ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे, देश जो है वो नागपुर से चल रहा है और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना, संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है तो इसका हम लोग जो है पार्लियामेंट में विरोध करेंगे। असल में बीजेपी की राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर ज्यादा मुखर है। दरअसल समान नागरिक संहिता बीजेपी के तीन कोर मुद्दों में शामिल रहा है। इनमें से दो मुद्दे अनुच्छेद 370 और राम मंदिर हल हो चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।